आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण पर बयान पर सियासी घमासान मच गया है। भागवत ने आरक्षण पर सौहार्दपूर्ण माहौल में आरक्षण पर बहस की बात कही थी, जिस पर कांग्रेस और आरजेडी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने न्यूज 18 से कहा कि आरक्षण पर बहस की कोई जरूरत नहीं है। रामदास के मुताबिक सिर्फ इस पर चर्चा हो सकती है कि आरक्षण किसको मिलना चाहिए, लेकिन आरक्षण के रहने और नहीं रहने पर बहस की जरूरत नहीं है। कहना है कि अभी वापस इस पे चर्चा छिड़नी चाहिए, आरक्षण हो ना हो सभी मुद्दों पे वापस बात होनी चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं? मुझे लगता है कि इसी बातचीत करने की कोई आवश्यकता मुझे लगता है कि लगती नहीं है, क्योंकि सभी को अभी आरक्षण में मिला है। उसका फायदा कितना हुआ है, क्या है, कितने लोगों को मिला है, इस पर चर्चा हो सकती है। इसका जो रिव्यू है, रिव्यू किया जा सकता है। हालांकि बीजेपी जिस तरीके से आरजेडी का कहना है कि बीजेपी आग से खेलने की कोशिश कर रही है, आपको बता दें मोहन भागवत जिन्होंने पहले ही ये बयान दिया कि अब इस पर चर्चा की जा सकती है, इस पर बातचीत की जा सकती है आरक्षण को लेकर, जिस पर रामदास आठवले ये कह रहे हैं कि इस पर ये चर्चा नहीं हो सकती कि रहे या ना रहे, लेकिन इस पर दूसरे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो सकती। आरएसएस के नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, वो कोई अभियान चलाने की बात नहीं कर रहे कि जो रोजाना उत्पीड़न की घटना हो रही है, क्योंकि वो दलित हैं, वो आदिवासी हैं, उनके ऊपर कैसे ये ख़त्म हो, जो छुआछूत के आधार पर उनको हीन भावना से देखा जाता है, उसके बारे में तो आरएसएस कभी बात नहीं करता। जो बाबा साहब ने कहा था, सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी एक हम सब के लिए चुनौती होगी, उस चुनौती को सामना करने के लिए, उस चुनौती को लेकर सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी खत्म करने के लिए क्यों नहीं चर्चा करते, क्यों नहीं अभियान चलाते, लेकिन उस पर तो मौन रहेंगे।